हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, हम इस वीडियो में वैदिक सभ्यता या वैदिक काल से जुड़ी जितने भी एमसीक्यूज़ है उनका अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित 40 एमसीक्यूज़ देखा था। आज के वीडियो में वैदिक सभ्यता पर आधारित एमसीक्यूज़ देखेंगे। इसमें मैं प्रैक्टिस वन और प्रैक्टिस दो दो वीडियो लेकर आने वाला हूँ, आपका वैदिक सभ्यता पर आधारित। ये दोस्तों आपका सीजीटेट पेपर टू सामाजिक विज्ञान वाले स्टूडेंट, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती सभी विषय वर्ग दो के लिए उपयोगी है। तो चलिए, देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार निम्नलिखित में से भगवान इंद्र के लिए अन्य नाम क्या है? तो भगवान इंद्र का जो अन्य नाम है ऋग्वेद के अनुसार, ए समुद्र, बी पुरुष सुप्त, सी सोम, या डी पुरंदर, ई गविष्टि। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डी पुरंदर। ठीक है, भगवान इंद्र का जो है अन्य नाम पुरंदर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक दूसरा। देखिए, प्रश्न क्रमांक दो क्या है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित। पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न तीन, ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में खालिस्तान मंत्रों का एक संग्रह है, तो 1028 मंत्रों का संग्रह पाया जाता है किसमें? तो आपका ऋग्वेद में था। इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक चौथा, प्रारंभिक वैदिक काल में गोधूलि का उपयोग एक माप के रूप में किया जाता था, यह माप कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा बी, समय को मापने के लिए गोधूलि। सुने होंगे दोस्तों, गोधूलि बेला करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक पांचवा है हमारा, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन देवताओं को ख्याति प्राप्त थी? कूट संकेतन से जुड़ी प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात एक, दो और चार। प्रजापति, रुद्र और विष्णु, ये तीनों देवता जो है प्रसिद्ध था आपका उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न क्रमांक छठवा है, देखिए प्रश्न छठवा है, देखिए, उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी प्रजापति, जो कि उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रसिद्ध देवता थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक सातवा, तो प्रश्न सात है, प्राचीनतम परंपरागत भारतीय दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी सांख्य। ठीक है, प्राचीन परंपरागत भारतीय दार्शनिक जो प्रणाली है सांख्य था। उसके बाद आठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद गद्य के रूप में है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक नौवा देखिए, प्रश्न नौ क्या कहता है, तो किस प्रारंभिक वैदिक देव को दुर्गों का विनाशक माना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी इंद्रदेव को आपका दुर्गों का विनाशक माना गया है। उसके बाद देखिए, उपनिषद निम्न नाम से जाना जाता है, उपनिषद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उपनिषद का दूसरा नाम वेदांत। उसके बाद ग्यारहवां प्रश्न है, ऋग्वेद के गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो गायत्री मंत्र के जो रचयिता है आपका विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है करके अगर प्रश्न आएगा दोस्तों, तो आप ऋग्वेद रखेंगे और इसकी जो रचनाकार बोलेंगे तो विश्वामित्र रखेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न से दो प्रश्न निकल कर सामने आते हैं। ठीक है, इनको आप बिल्कुल याद रखें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका समावेश हम इस वीडियो में कर रहे हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक बारहवा है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? तो कहाँ है, देखिए गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है आपका? ऋग्वेद से लिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक तेरह, तो प्रश्न तेरह है, निम्नलिखित कथन वैदिक संस्कृति की
जो मूल्य व्यवस्था से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, कूट संकेतन से जुड़ी प्रश्न है, जिसमें पहला और दूसरा दोनों सही है, अर्थात इसमें सामाजिक धार्मिक संस्कारों को स्थापित किया, इसमें वसुदेव कुटुंबकम की भी भावना निहित होती है, ये दोनों चीजें आएंगे। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 क्या है? तो देखिए दोस्तों, उत्तरवैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, लौह तकनीक। जो उत्तरवैदिक काल में अर्थात लोहे की खोज हो चुकी थी, तो कृषि कार्य के लिए लोहे के तकनीकों का उपयोग किया जाता था। प्रश्न क्रमांक 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई से भारत में लोहे के उपयोग का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है? किल स्थल की खुदाई किया गया तो लोहे के होने का जो प्रमाण है प्राप्त हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा के माध्यम से हमें लोहे के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 16 है। प्रश्न 16 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वेद में पुरुष सूक्त सम्मिलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में आपका पुरुष सूक्त उल्लेखित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 17 क्या कहता है? चार वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम जो उल्लेख है निम्नलिखित में किस ग्रंथ में मिलता है? तो चार वर्ण है, चार वर्ण का नाम तो आपने पढ़ा ही है, तो इसका जो उल्लेख है किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, ऋग्वेद। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 18 क्या कहता है? तो प्रश्न 18 है, उत्तर वैदिक कालीन समाज में कबीले के भीतर विवाह को प्रतिबंधित करने वाली कौन सी संस्था का उदय हुआ? कबीले के अंदर विवाह को प्रतिबंधित किसने किया? ये गोत्र नाम की जो संस्था है ना, ये गोत्र है। विवाह को प्रतिबंधित किया कौन सी संस्था है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बी, गोत्र। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 19। तो प्रश्न 19 क्या कहता है? निम्न को सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। देखिए ए में क्या क्या चीजें दिया गया है उसको भी आप देखेंगे। तो जो आपका देखिए पहला नंदी है ए, तो यह क्या है? शिव का सांड है नंदी। ठीक है, उसके बाद में है कल्पवृक्ष। तो कल्प वृक्ष आपका स्वर्ग का वृक्ष कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है ऐरावत। ऐरावत क्या होता है? तो यह एक दिव्य सफेद हाथी होता है और कामधेनु एक पवित्र गाय है। तो ये रहा आपका कूट संकेतन जिसमें सुमेलित किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 20 है हमारा, किस वेद संहिता में भारतीय संगीत उल्लेखित किया गया है? तो सामवेद, और आपका ये उत्तर जो है बी, सामवेद होगा। सामवेद से ही भारतीय जो संगीत है उसका सबसे पहले कहना चाहिए, सामवेद संगीत की उत्पत्ति जो है सामवेद से हुई है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है। तो देखिए प्रश्न 21 क्या बोलता है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद की उत्पत्ति है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपका मुंडकोपनिषद ए। इसका उत्तर हो जाएगा ए, मुंडकोपनिषद। तो आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया। उसके बाद में देखिए 22वां प्रश्न क्या है? तो निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ में वेदांत दर्शन का सार निहित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, उपनिषद में वेदांत दर्शन का जो सार है निहित है। प्रश्न 23 है, निम्न में से कौन सा वेद प्राचीनतम अर्थात सबसे जो पुराना वेद है? तो ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना गया है। इसके उत्तर हो जाएगा ए। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद में है हमारा देखिए प्रश्न क्रमांक 24। तो प्रश्न 24 क्या है? भगवान कृष्ण के मित्र का नाम क्या था? बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र हैं उनका नाम सुदामा था। ठीक है, वैदिक सभ्यता पर जुड़ी हम प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में 40 MCQs करा
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो देखिए प्रश्न क्रमांक 25 क्या कहता है, वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता ऋषि का क्या नाम है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा एक कणाद ऋषि, जो कि वैदिक दर्शन से संबंधित ऋषि है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 26। तो प्रश्न 26 देखिए, भगवद गीता किसका अंश है, तो यह महाभारत का अंश है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अधोलिखित निम्न में से कौन जो है गीता के मुख्य शिक्षा है। ठीक है, गीता के जो मुख्य शिक्षा क्या है, तो इसका उत्तर होगा डी, निष्काम कर्म योग गीता की एक शिक्षा है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो प्रश्न क्रमांक 28 है दोस्तों। देखिए प्रश्न 28, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराण 18 है। ठीक है, 18 है पुराणों की जो संख्या है, इसको भी आप याद रखेंगे। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ही हम करा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, जो चीज़ें ऑलरेडी छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो 29वां प्रश्न है हमारा, अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है। तो सर्वोच्च जो मूल्य है चार्वाक के अनुसार, सी काम। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी काम जो है सर्वोच्च मूल्य है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 30, तो प्रश्न 30वां है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक विज्ञान वर्तमान समय में काफी प्रशंसनीय है और पुनर्जीवित किया गया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी गणित, जो कि वर्तमान में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, प्रशंसनीय है और पुनर्जीवित भी आपका किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 31 देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है। मैंने इसके पूर्व में ही अभी डिस्कस किया है, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है आपका ऋग्वेद से लिया गया है, ए इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 32 क्या कहता है, तो किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जो विकल्प दिया गया है कुछ भी नहीं है इनमें से। और इसका जो सही उत्तर देखिए, श्वेताश्वर उपनिषद को शाब्दिक अर्थ होता है सफेद घोड़ा। ठीक है, लेकिन श्वेताश्वर जो उपनिषद है विकल्प में नहीं था, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला आपका 33, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों आपका हो जाएगा महर्षि गौतम, जिसको भारतीय परमाणुवाद के देखिए महर्षि गौतम नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका जो उत्तर है सी महर्षि कणाद होगा। तो महर्षि कणाद को ही आपका परमाणुवाद के जनक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो प्रश्न क्रमांक 34 है हमारा, देखिए भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है, अनंग। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा काम। ठीक है, काम को ही अनंग कहा गया है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 35 है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वाजपेय यज्ञ की क्रियाओं के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो बृहदारण्यक उपनिषद को ही आपका क्या है, देखिए वाजपेय यज्ञ नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में है आपका प्रश्न क्रमांक 36, तो तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन कहाँ से लिया गया है। तो यह आपका उपनिषद से लिया गया है, ए इसका उत्तर हो जाएगा उपनिषद। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 37 क्या कहता है दोस्तों, देखिए प्रश्न 37, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए मनोजो स्मृति है, अष्टांग योग का अंश नहीं है। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 38, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 38 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन उपनिषदों में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो इसका जो उत्तर है बृहदारण्यक और छंदोग्य में आपका
पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है? ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 39 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पुराण में भक्ति दर्शन को सारभूत किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए भगवत पुराण। भगवत पुराण में भक्ति दर्शन को सारभूत किया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 40 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में इनमें से किसे सृष्टि का निर्माणकर्ता माना गया है? तो सृष्टि का जो निर्माणकर्ता है हिरण्यगर्भ को माना गया है वैदिक संस्कृति के अनुसार। इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये इस वीडियो में 40 प्रश्न का हमने डिस्कशन किया है वैदिक सभ्यता पर, वैदिक काल पर आधारित। अगले वीडियो में प्रैक्टिस 2 लाने वाले हैं इसी टॉपिक पर, जिस पर हम फिर से 40 जो MCQs आपको कराएंगे, जो MCQs हम आपको करा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे 40 MCQs को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।